सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी अकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी क्लास टेंथ मैथमेटिक्स के बारे में। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम अब काफ़ी पास हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है सही अप्रोच और सही तरीके से तैयारी करना। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम ये समझेंगे कि कितने मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है स्टैंडर्ड और बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है वो स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए आएगा 6 मार्क्स का। वहीं पे एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो यहाँ पर जितने भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उन्हें 6 मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर को करने से। 6 मार्क्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो इसको काफ़ी अच्छे से करिएगा। उसी के साथ साथ स्टूडेंट जो बेसिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये चैप्टर पूरे 5 नंबर का है, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सही अप्रोच से पढ़ें और सही क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में करके जाएं। सो स्टूडेंट, ये तो बात होगी कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है स्टैंडर्ड और बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। उसी के साथ साथ हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बेहतर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस बार आने की पूरी संभावना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक पैटर्न दे रखा है 2, 4, 6, 8। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 10वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमें AP हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने में कि 10th नंबर पर कौन बैठा है, 9th पर कौन बैठा है। इस तरीके से AP हमें सॉल्यूशंस में हेल्प करती है। सो फाइनली AP के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला और हम हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू A+N-1 × D। सो यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि AN क्या है। AN स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। AN को हम लास्ट टर्म से जानते हैं, इसको हम L से भी डिनोट करते हैं। उसी के साथ साथ A जो है ये है आपका फर्स्ट टर्म। N है नंबर ऑफ टर्म्स। वहीं पे D स्टैंड करता है कॉमन डिफरेंस। सो स्टूडेंट, डी को हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न गिवन है, तो आपको मैं सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पर ये जो 2 है ये आपका A है, बिकॉज 2 जो है वो फर्स्ट टर्म है और जो सबसे पहली टर्म होती है उसको हम A से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कॉमन डिफरेंस की। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो आपको डी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम फर्स्ट टर्म को A1 के नाम से जानते हैं, सेकंड टर्म A2 होती है, थर्ड टर्म A3 एंड इस तरीके से टर्म्स चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप डी निकालना चाहते हैं तो डी का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो होता है A2 - A1। सो यहाँ पर आपका जो A2 है वो है 4, वहीं पे A1 जो है वो है 2। सो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2, यहाँ से आपका D निकल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि D का ये परमानेंट फॉर्मूला नहीं होता है, आप किसी से भी D को निकाल सकते हैं। अगर मेरे को D निकालना है तो मैं A3 - A2 भी कर सकती हूँ। अब बात आ जाती है AN की। ये जो पैटर्न है, सपोज़ इसके लास्ट में जो नंबर है वो 20 है, तो जो लास्ट में नंबर होता है उसी को हम AN बोलते हैं। अब मुझसे ये पूछा जाता है कि इस लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उसको काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो स्टूडेंट, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस लाइन में कितने हैं। सबसे पहले आपने एक ही जगह पे पुट करना है विच इज़ 2, देन आप लिखेंगे +N - 1, D जो है वो है आपका 2, आप यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। लास्ट टर्म आपकी थी 20, आप AN की जगह 20 लिख दीजिएगा। जो चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही है इधर आके हो जाएगी माइनस और बाकी सारी चीज़ों को आपने सेम एज इट इज़ उतार देना है। अब बात आ जाती है 20 - 2 = 18, यहाँ पर लिखेंगे N - 1 × 2। जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो 18 / 2 N - 1, इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर आएगा 9,
जो चीज़ यहाँ पर माइनस हो रही है वो इधर आके हो जाएगी प्लस, और जैसे ही हम इसको लिखेंगे एन प्लस वन विच इज़ 10, तो इस लाइन में टोटल 10 पर्सन हैं। सो इस तरीके से हम एपी को सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले के साथ साथ एपी का एक और फॉर्मूला होता है, ये एपी का सम निकालने का फॉर्मूला है। इसको हम SN से डिनोट करते हैं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की और उन्हें सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इन फॉर्मूले के अलावा कुछ और फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 27, 24, 21 इज़ 0। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो 2020 और 21 में पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया था। सो आपने ये बताना है कि कौन सी टर्म एपी की 0 हो जाएगी, विच मीन्स आपको an गिवन है कि an जो है वो 0 है, वहीं पे आपका जो a है वो है आपका 27। d निकालना मैंने आपको बताया था कि अगर आप d निकालते हैं तो आपने माइनस करना है 24 में से 27, जो कि आएगा -3। और इन सब वैल्यू को आपने इस फॉर्मूले में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे लास्ट टर्म बता दीजिए क्या है। लास्ट टर्म है आपकी 0, उसी के साथ साथ a कितना है आपका, a है 27 प्लस n आपने निकालना है इंटू डी, डी है -3। सो स्टूडेंट, जैसे ही हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे, सो यहाँ पर जो चीज़ प्लस हो रही है वो इधर आके हो जाएगी माइनस, राइट। यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो 27 के नीचे आएगा -3 एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 9 एन माइनस 1। जो चीज़ यहाँ पर माइनस हो रही है इधर आके प्लस हो जाएगी, तो n की वैल्यू आएगी 10। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा कि जैसे ही ये एपी 10 डिजिट तक पहुँचेगी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको d गिवन है, n गिवन है और an गिवन है, और आपने फाइंड करना है a। ये आपका SQP यानी कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 2020 एंड 21। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है। इसी के साथ साथ आपने वैल्यू को पुट करना है, n की जगह आएगा 7 माइनस 1 और d जो है वो है -4। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 4a प्लस 6 इंटू -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आएगा 24a 4। जो चीज़ यहाँ पर माइनस हो रही है वो इधर आके प्लस हो जाएगी, 4 प्लस 24 इज़ इक्वल्स टू a। सो जैसे ही आप 4 और 24 को प्लस करेंगे, यहाँ आएगा 28 और ये आपकी a की वैल्यू है, और यही आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज आपने a फाइंड करना था। इतने आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको तीन वैल्यू दे रखी हैं, a1, a2 एंड a3, और ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार आ रही हैं, सो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया a1, a2 एंड a3, और आपने x की वैल्यू निकालनी है। सो बहुत आसान है स्टूडेंट। देखो, मैंने आपको बताया था कि आप जो d है वो ऐसे निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 करके, प्लस अगर आप a3 में से a2 माइनस करते हैं तो भी आपका d निकल जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, a2 कितना है x प्लस 10, वहीं पे a1 कितना है 2x, a3 कितना है 3x प्लस 2, और a2 कितना है x प्लस 10। सो स्टूडेंट, अब आपने ब्रैकेट को खोलना है, x प्लस 10 -2x, यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए इस तरीके से। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लिखेंगे 3x प्लस 2 माइनस, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए माइनस की, -x -10। अब आपने इसको सॉल्व करना है, x टर्म को एक तरफ ले जाइए और बिना x वाली को एक तरफ ले जाइए। सो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा x = 6, और यही आपका मेन आंसर होगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ p। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और इसको हम डिनोट करेंगे a से। आपको कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है विच इज़ q। आपसे पूछी जा रही है 10th टर्म, यानी कि आपका जो n है वो है 10,
सो आपने सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, आपने a 10 निकालना है, तो n की जगह हम 10 रख देंगे। सो a 10 निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस 9d। यहाँ पर आपको a और d की वैल्यू गिवन है, आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। सो फाइनली a 10 की वैल्यू आएगी p प्लस 9q, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है ap का और आपको ये तीन टर्म गिवन है। सो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ करना है a2 माइनस a1 या फिर आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस p अपॉन p माइनस 1 अपॉन p। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। सो यहाँ पर क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में सेम है तो p ही आएगा, यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस p माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस p अपॉन p, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे सो फाइनल आंसर आएगा माइनस 1। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आया है। क्वेश्चन को देख के घबराना मत, बच्चे फ्रैक्शन को देखते हैं, रूट्स को देखते हैं और घबरा जाते हैं। सो आपने काफ़ी वाइजली इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आपका दिल्ली के सेट नंबर 1 में आ रखा है 2019 में। कितने दो डिजिट के जो नंबर हैं वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं 3 से? तो सबसे पहला नंबर तो 12 होता है, हम सब जने जानते हैं, क्योंकि 10 और 11 3 के टेबल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है 15, देन 18। अब ये आगे तक चल रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट नंबर आता है दो डिजिट का वो होता है 99, आपने 3 से डिवाइड करना है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये 3 के टेबल में जाएगा, तो ये आएगा आपका an। सो आपको an मिल चुका है 99, ए आपको मिल चुका है 12, डी जो है आप कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 15 माइनस 12 यू विल गेट 3। आपने निकालना क्या है, हाउ मैनी। हाउ मैनी इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन में कितने लोग हैं, हम इस तरीके से इस चीज़ को समझेंगे, विच मीन्स आपने एन निकालना है। सो एन निकालना बहुत आसान है, आपने सिर्फ फॉर्मूला रखना है, ए एन आपका 99 है, ए आपका 12 है, एन आपने निकालना है और डी है आपका 3। जो चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही है इधर आके माइनस हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दीजिएगा। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। सो जब आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ आएगा 29। 29 में आपने प्लस करना है 1 और n की वैल्यू आ जाएगी 30। सो यानी कि ऐसे नंबर जो दो डिजिट के होते हैं और 3 के पहाड़े में आते हैं, ऐसे टोटल नंबर 30 होते हैं और यही आपने निकालना था। सो अब आप एपी को समझ पा रहे होंगे कि अगर आप नॉर्मली गिनने बैठते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, वहीं पे एपी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है चीज़ों को आसान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली का, और आउटसाइड दिल्ली में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है -4, और आपकी जो सेवेंथ टर्म है वो है 4, और आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है, विच मीन्स आपने फाइंड आउट करना है a। तो सबसे पहले तो हम चीज़ों को लिख देते हैं, d है -4 और a 7 है 4। सो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। पहली चीज़ a 7 यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आपका जो n है वो क्या है, 7 है। सो जब आप इसको खोलते हैं तो ये आ जाता है a प्लस 6d। तो यहाँ पर सिंपली अब आगे से आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ पर आप एक माइनस करके मेंशन कर दीजिएगा a प्लस 6d। अगर 17 होता तो मैं लिखती a प्लस 16d। तो इस तरीके से हम इसको खोल के लिखेंगे। अब मैंने बस वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर मेरे को a 7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4, a मुझे फाइंड आउट करना है प्लस 6 इंटू डी, और d कितना है बेटा, यहाँ पर d है आपका -4। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -24। जो चीज़ यहाँ माइनस हो रही है इधर आके प्लस हो जाएगी।
सो ए की वैल्यू आएगी 28 और यही आपकी फर्स्ट टर्म होगी। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये वीडियो डन हो जाती है। मैंने आपके साथ वन मार्कर वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरी अप्रोच रहेगी कि मैं आपसे 2 मार्कर + 3 मार्कर भी डिस्कस कर लूँ, क्योंकि आप सभी जने जानते हैं कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टूडेंट एंड में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका रिस्पॉन्स मुझे मैटर करता है। प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। सो थैंक यू गाइज़।